बुरहानपुर के शासकीय जीजा माता पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक महिला व्याख्याता ने कॉलेज के प्राचार्य पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता व्याख्याता ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की है। सूत्रों की माने तो महिला व्याख्याता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य दीपक शाह मुझ पर दबाव बनाकर मेरे साथ अशिष्ट आचरण कर रहे हैं और मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। इसलिए परेशान होकर महिला ने डिप्टी कलेक्टर शिकायत शाखा को करीब 4 पन्नों का शिकायती पत्र दिया है। वहीं इस मामले की जाँच कर रही डिप्टी कलेक्टर शिकायत शाखा सरोज परिहार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी। जीजा माता कॉलेज की एक महिला व्याख्याता द्वारा उनकी मां के द्वारा एक हमारे ऑफिस में शिकायत शाखा में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। उनकी बेटी को जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और कई तरह से नोटिस थमाए जा रहे हैं और अनावश्यक उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की उन्होंने शिकायत की थी, जिसकी मेरे द्वारा जांच के लिए नोटिस जारी किए गए थे दोनों पक्ष को। तो कल जो है जो महिला व्याख्याता है वो अपने जवाब लेकर आई थी, तो विस्तृत उन्होंने उसमें जवाब दिए हैं। उनके साथ जो प्रिंसिपल प्रभारी प्रिंसिपल ने उनको कई नोटिस दिए हैं, उनका कहना है कि मुझे अनावश्यक बार बार एक के बाद अनावश्यक रूप से नोटिस दिए गए हैं और मुझे जबरदस्ती उन समक्ष में प्रस्तुत होने के लिए दबाव बनाया जाता है कि मैं कोई भी फाइल में स्वयं समक्ष में लेकर पहुँचूँ। कल मुझे शाम को 5 बजे शिकायत प्राप्त हुई है, मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ पूरा ट्रेनिंग में व्यस्त होने की वजह से, लेकिन मैंने जो भी काम करे हैं प्राचार्य की हैसियत से, संस्था प्रमुख की हैसियत से, लोकहित में और संस्था प्रमुख की हैसियत से करे हुए हैं और सारे रिकॉर्ड्स हमारे कॉलेज में उपलब्ध हैं।